और विपक्ष कोई मुद्दा उठाता नहीं है। अभी आप दलित बेटी की हत्या देख लीजिए, एक महादलित की बेटी की हत्या होती है, नाबालिग की हत्या होती है, रेप होता है, और ये लगातार हो रहा है बिहार में। लेकिन पक्ष का तो छोड़ दीजिए, विपक्ष भी आवाज नहीं उठा रही है। तो ये राजद और भाजपा, ये दोनों पहलवान हैं, बीच में नीतीश जी को बिठाए हुए हैं, और कभी उधर से भाजपा झुलाती है और कभी इधर से राजद, और तीनों बारी बारी सत्ता का सुख भोग रहे हैं। ये जन स्वराज में कोई जनता तो जन स्वराज के साथ है नहीं, जन स्वराज में सिर्फ टिकटार्थियों की भीड़ है। जितने भी टिकट लेने वाले हैं वही लोग जन स्वराज में हैं, और जैसे ही टिकट की घोषणा होगी आप देखिएगा उसमें इतनी भड़बड़ाहट होगी, सब लोग भागेंगे। और 2025 में बहुजन समाज पार्टी, मैं आपको बता दूं कि 2025 में बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते सरकार बनाएगी। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में देखिए कि बातचीत करने के लिए डॉक्टर विजेश कुमार है हमारे साथ, जो मुजफ्फरपुर लोकसभा से पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो क्या अपनी दावेदारी भी पेश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। देख, सारे नेता लोग जो कहते हैं कि लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद विधानसभा चुनाव में भी जाते हैं। देखिए, मैंने तो लोकसभा चुनाव लड़ा था पार्टी के आदेश पर, पार्टी के निर्देश पर। बहुजन समाज पार्टी का मैं उम्मीदवार था, पुनः पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन करूंगा। वैसे मुजफ्फरपुर की जनता दबाव दे रही है, लोग आते रहते हैं और कुरहनी के लोग भी आते रहते हैं। तो सब लोगों ने आग्रह किया है कि आप कुरहनी के जो हमारे लोग हैं उन लोगों ने आग्रह किया कि कुरहनी से चुनाव लड़िए। मुजफ्फरपुर के जो हमारे लोग हैं, समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, उन लोगों ने आग्रह किया है कि मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़िए। लेकिन ये तो पार्टी को तय करना है, पार्टी का मैं सिपाही हूँ, जहाँ से पार्टी कहेगी वहाँ से चुनाव लड़ूंगा, और चुनाव कहेगी नहीं किसी और के लिए प्रचार करिए तो किसी और के लिए प्रचार करूँगा। लेकिन पार्टी ने मुझे कहा है कि आप तैयारी करिए, तो हम लोग तो हर जगह के लिए लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी की थी, तो तैयारी तो रहती ही है। अब जहाँ से पार्टी आदेश करेगी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। मुजफ्फरपुर में दो विधानसभा के खास करके बात करेंगे, बोचा और सकरा, जहाँ पर बहुजन समाज का घर माना जाता है, वहाँ पे वोट भी है, तो क्या ये दो विधानसभा का तो नज़र नहीं है उस पर? नहीं, इन दोनों पे तो मैं ये दोनों सुरक्षित सीट है, बोचा और सकरा दोनों सुरक्षित सीट है, तो वहाँ से तो मैं चुनाव लड़ नहीं सकता। लेकिन जो भी हमारे मित्र चुनाव लड़ेंगे उनका हम समर्थन करेंगे, हम लोग बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और 2025 में बहुजन समाज पार्टी, मैं आपको बता दूं कि 2025 में बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते सरकार बनाएगी। जिस तरह से सरकार हर क्षेत्र में नाकाम रही है और विपक्ष कोई मुद्दा उठाता नहीं है, अभी आप दलित बेटी की हत्या देख लीजिए, एक महादलित की बेटी की हत्या होती है, नाबालिग की हत्या होती है, रेप होता है, और ये लगातार हो रहा है बिहार में। लेकिन पक्ष का तो छोड़ दीजिए, विपक्ष भी आवाज़ नहीं उठा रही है। तो विपक्ष निष्क्रिय है और पक्ष से भी कोई नहीं बोल रहा है, इसलिए इस सरकार का जाना तय है। और किस मुंह से बोलेंगे, राजद भी तो बार ऑफ एंड ऑन सत्ता का सुख लेती रही है, तो ये लोग बार बार, एक आपको अगर याद हो तो पहले झूला लगता था गाँव में सावन के महीने में, अभी सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में झूला लगता था, जो जमींदार होता था वो बीच में बैठ जाता था और दो तरफ दो पहलवान खड़े होते थे और झूला झूलाते थे। तो ये राजद और भाजपा, ये दोनों पहलवान हैं, बीच में नीतीश जी को बिठाए हुए हैं, और कभी उधर से भाजपा झुलाती है और कभी इधर से राजद, और तीनों बारी बारी सत्ता का सुख भोग रहे हैं। किसी को बिहार के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा पिछले एक महीने में 27 से ज़्यादा पुल ध्वस्त हुए, लेकिन इस पर ना विपक्ष ने कोई हंगामा किया और न सत्ता पक्ष क्यों बोलेगा, वो तो सत्ता की मलाई खा रहे हैं। भाजपा कुछ बोल नहीं सकती, सबको एक एक मंत्रालय दे दिया गया है, सब लोग अपने अपने मंत्रालय में मलाई खाने में लगे हुए हैं, मुंह बंद है। नीतीश जी आराम से सत्ता का सुख भोग रहे हैं, इसलिए इस सरकार का जाना निश्चित है। जिस तरह से दलित महादलित की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, और सब लोग चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं, इतना बड़ा पाप
कोई निगल नहीं सकता। इसके बाद जब अति होता है तो अंत उसका निश्चित है। यह सरकार निश्चित रूप से जाएगी और बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पर बिहार में सरकार बनाएगी। हम लोग सभी सीटों पर अपने बदौलत, बिना किसी गठबंधन के, हम लोग सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार देंगे और बड़ी मजबूती से पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे और बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते सरकार बनाएगी। इसका समीकरण बिगाड़ेंगे 2025 में? हम लोग अपना समीकरण बनाएंगे, हम किसी का समीकरण नहीं बिगाड़ते। वो लोग अपना समीकरण खुद बिगाड़ रहे हैं। आप देख लीजिए, एक महीने में 27 पुल का ध्वस्त होना, आपके बगल में चंदवारा में पुल बना हुआ है, 5 साल से ज़्यादा हो गए, अभी संपर्क पथ नहीं बना। ये क्या है? अगर आपके पास संपर्क पथ नहीं था तो आपने पुल क्यों बनाया? और अगर पुल बना दिया तो संपर्क पथ की व्यवस्था नहीं की। अब फिर इस पुल की भी वही गति होगी, दुर्गति होगी कि उद्घाटन से पहले यह पुल भी ध्वस्त होगा। बहुत सारे पुल उद्घाटन से पहले ध्वस्त हुए हैं, बहुत सारे पुल उद्घाटन होते ही ध्वस्त हुए हैं। इस तरह से सब बंदर बांट है, हर योजना में लूटपाट मची हुई है। ये लोग खानापूर्ति करते हैं और लूट मचाए हुए हैं। जहाँ जो है, जिस विभाग में है, उसी में लूटने में लगा हुआ है। इसलिए अब इस सरकार का जाना अवश्यंभावी है, एकदम निश्चित है। आप मानकर चलिए कि 2025 में बहुजन समाज पार्टी ही बिहार में सरकार बनाएगी। आप कह रहे हैं कि हम लोग सरकार बनाएंगे, उधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे, एनडीए वाले कह रहे हम सरकार बनाएंगे, जनसुराज वाले कह रहे हम सरकार बनाएंगे। आखिर बिहार की जनता मतलब किसे चुनेगी? देखिए, जनसुराज में कोई जनता तो जनसुराज के साथ है नहीं। जनसुराज में सिर्फ टिकटार्थियों की भीड़ है। जितने भी टिकट लेने वाले हैं वही लोग जनसुराज में हैं। और जैसे ही टिकट की घोषणा होगी, आप देखिएगा, उसमें इतनी भड़बड़ाहट होगी, सब लोग भागेंगे और पार्टी एक तरह से बिखर जाएगी। वो अभी तो पार्टी बनी भी नहीं है, अभी तो कुछ घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन उसमें जनता नहीं जुड़ी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ टिकटार्थियों की भीड़ है। राजद की अगर आप बात करें तो विपक्ष का क्या काम होता है? विपक्ष का काम होता है जहां सरकार गलती करे वहां मजबूती से उस बात को रखना। लेकिन अभी आप देख लीजिए, महादलित की हत्या होती है और एक ट्वीट तेजस्वी जी करते हैं, सोशल मीडिया पे सिर्फ ट्वीट करते हैं, बस। उसके अलावा कहीं आप विपक्ष को नहीं देखेंगे। तो इस तरह से आधे अधूरे मन से कहीं लड़ाई होती है, आधे अधूरे मन से कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। और जीतने की बात तो आप दूर, बहुत दूर की कौरी है। जो सरकार की स्थिति है, सरकार हर क्षेत्र में नाकाम है, कानून की व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है। आप मुजफ्फरपुर का ही उदाहरण ले लीजिए तो आप देख लीजिए कि हर दिन कहीं ना कहीं हत्या हो रहा है, कहीं गोली चल रही है। आप देख लीजिए, संस्कृति वर्मा से लेकर और अभी हाल फिलहाल भी कई लोगों की हत्या हुई है। तो बिहार सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह विफल है। पुल पुलिये ध्वस्त हो रहे हैं, दलित महादलित की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है। अब आप किस पैरामीटर पे इस सरकार को आप कहेंगे कि सरकार अच्छा काम कर रही है? किसी भी पैरामीटर पे ये सरकार सही ढंग से काम नहीं कर रही है। और उसका कारण है कि नीतीश जी की अब उम्र हो गई है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भूल जाते हैं बातें, कभी किसी का पांव पकड़ने लगते हैं, कभी किसी का पांव पकड़ने लगते हैं, और पूरी तरह सत्ता ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में चली गई है। ब्यूरोक्रेट्स भी चूंकि कोई प्रशासनिक उनके ऊपर विधायिका का नियंत्रण नहीं है, इसलिए वो भी स्वतंत्र हैं। सब जो जहां है वहीं लूट खसोट में लगा हुआ है। आप देख लीजिए, शराबबंदी, मैं ये नहीं कहता शराब अच्छी चीज है, शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन एक प्लानिंग के साथ होनी चाहिए। इस शराबबंदी ने हमारे युवा वर्ग को अपराधी बना दिया। थोड़े पैसे के लालच में हमारे युवा इस शराब के कारोबार में उतर गए। जो बड़ी मछली है उसको तो सरकार पकड़ नहीं सकती, वो सब सफेदपोश बचे हुए हैं। इन छोटी छोटी मछलियों को जो हमारे युवा 100 200 500 के लालच में इस शराब के व्यापार में आ गए, इसके कारण इनका पूरा भविष्य चौपट हो गया। कभी ना कभी जब 2 बार 4 बार 5 बार के बाद वो पकड़ाते हैं और एक बार जब जेल से छूटकर बाहर आते हैं तो वो पक्के अपराधी बन जाते हैं। तो इस तरह से नीतीश जी ने एक पूरे युवा वर्ग को अपराध की दुनिया में ढकेल दिया है, इसके लिए भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। दूसरी स्थिति आपको बता दूं, इसका दूसरा पहलू ये है कि हमारा युवा चरसी हो गया।
आप उठाकर देख लीजिए मुजफ्फरपुर की स्थिति, हर युवा कोई या तो चरस पी रहा है, गांजा पी रहा है, स्निफिंग कर रहा है। और हम लोगों का हॉस्पिटल है, कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि रात में एक चरसी, एक स्निफिंग वाला, एक गांजा पीकर बेहोश और अजीब स्थिति में आता है। ये सब विचित्र स्थिति है, युवाओं का भविष्य नीतीश जी माफ कीजिएगा आपने बर्बाद किया है। एक तरफ आपने युवाओं को अपराध की दुनिया में धकेला है, दूसरी तरफ आपने उनको ड्रग्स की दुनिया में धकेला है। इसके लिए आपको एक ये पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। ये बहुत जघन्य काम है, ये मर्डर से भी बड़ा अपराध है। इस तरह का नहीं होना चाहिए था। आप देखिए कि दुबई और ओमान जैसे मुस्लिम देश में भी शराब पर पूर्ण पाबंदी नहीं है, पाबंदी का एक तरीका होता है। दुबई में आपको बता दूं कि पूर्ण पाबंदी थी, जब लोग देखा, सरकार ने देखा कि हमारे जो पर्यटक हैं उनकी संख्या कम हो रही है, उन्होंने खोल दिया। रमजान के महीने में बंद हुआ करता था, रमजान के महीने में शुरू हो गया। हाँ, उसमें पाबंदी है, आप पब्लिक प्लेस पे नहीं कर सकते, पब है, बार है, उसके लिए जगह बना हुआ है, वहाँ जाइए अपने रूम में पीजिए, आप पब्लिक प्लेस पे नहीं पी सकते। तो उसी तरह यहाँ भी एक कानून बनाना चाहिए था, पब्लिक प्लेस पे अगर कोई कुछ करता है, न्यूसेंस पैदा करता है, उस पर लगाम लगाना चाहिए था। बड़े रेस्टोरेंट हैं, बार हैं, वहाँ पे उनको कुछ पाबंदियों के साथ वहाँ होना चाहिए था। अदरवाइज आप देख लीजिए, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ आने के लिए तैयार नहीं, एक कॉन्फ्रेंस होने के लिए तैयार नहीं, कोई भी। आप बैकवर्ड नहीं जा सकते, दुनिया आगे जा रही है, आप बैकवर्ड जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। ये सब दकियानुसी बातें हैं, ये सब नहीं चलेंगी। हाँ, कुछ पाबंदियाँ लगनी चाहिए थी और उसका तरीका होना चाहिए था। गवर्नमेंट के रेवेन्यू का नुकसान हुआ, उसके लिए आपने क्या किया है? एक इंडस्ट्री आपके यहाँ नहीं आ रहा है। हर तरह से ये सरकार विफल है, न इंडस्ट्री लगा रही है, न युवाओं को रोजगार दे रही है, न कानून व्यवस्था दुरुस्त कर रही है, और न हमारे दलित महादलित बहनों माताओं की सुरक्षा कर पा रही है। तो ऐसी सरकार किस काम की? इसलिए मैं कहता हूं कि इस निकम्मी सरकार को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए और चुनाव में जाना चाहिए। आप आज चुनाव करवा कर देख लीजिए और नीतीश जी कहीं के नहीं रहेंगे, दो सीटों से ज़्यादा उनको नहीं मिलेगा। नीतीश जी अपना खुद का सीट भी बचा लें, वैसे तो चुनाव लड़ते नहीं, विधान परिषद से हमेशा पिछले दरवाजे से जाते हैं, अगर लड़ेंगे भी तो इस बार बुरी तरह हारेंगे, कोई इस बार उनको पानी देने वाला नहीं मिलेगा। आपने कहा सरकार रोजगार नहीं दे रही है, सरकार ने 12 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया है कि 12 लाख सरकारी नौकरी 2025 से पहले देंगे, साथ साथ लाखों रोजगार भी देंगे। ये वादे हैं, वादों का क्या, प्रधानमंत्री भी तो गारंटी देके गए थे, काहे की गारंटी? जब आप एक बेटी की सुरक्षा नहीं कर सकते फिर काहे की गारंटी है? आप जीवन जीने का अधिकार दे दीजिए, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कर दीजिए, यही बहुत बड़ी बात होगी। जब हमारे दलित भाई बंधु, महादलित भाई बंधु सुरक्षित नहीं हैं, फिर कौन, किस आप अधिकार की बात करते हैं और कौन सी गारंटी की बात करते हैं? कोई वादा पूरा ये लोग नहीं करने वाले हैं, ये डपोर संखी वादे हैं, ये कभी पूरा नहीं होगा, ये जान लीजिए। नहीं नहीं तो 17 साल से तो ये भी सरकार में है, क्यों अभी तक नहीं किया, किसने इनका हाथ रोका था? और अगर राजद को भी जोड़ लीजिए तो 32 साल से वही तीनों पार्टियां ऑफ एंड ऑन शासन में रही हैं, किसने आपका हाथ बांधा हुआ था? आपने आज तक रोजगार क्यों दिया, क्यों नहीं दिया? अब जो है आप कहते हैं कि 25 में देंगे, 25 के बाद देंगे, अब आपके इन डपोर संखी वादों में जनता आने वाली नहीं है, ये सब झूठे वादे हैं, कोई वादा पूरा करने वाला नहीं है, सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं ताकि लुभावने वादे करके हम 25 में जनता को लुभा सकें। जनता अब आपके झांसे में नहीं आने वाली है, जनता समझ चुकी है कि आप सिर्फ बातें करते हैं, आपकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए आपको जनता पूरी तरह नकारेगी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी 2025 में। तो आप सुन रहे थे विजेश कुमार, जो मुजफ्फरपुर लोकसभा से प्रत्याशी रह चुके हैं, और देखिए कि इनका कहना है कि 2025 में जो है बहुजन समाज पार्टी की जो है सरकार बनेगी, किसी की सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि हम लोग जो है जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, और इस बार जो है किसी प्रकार का ढकोसला नहीं चलेगा और बहुजन पार्टी जो है वो सरकार बनाएगी। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ, आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।